हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सा जो है वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा। आज हमारे वीडियो का टाइटल है कि देखिए आप जानेंगे कि बिहार में कहां बिहार का पहला रबर डैम बन रहा है। पहले मैं आपको बता दूं रबर डैम होता क्या है। रबर डैम एक डैम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे कि नदी के पानी को आप रोक करके या नदी के पानी को इस तरफ से उधर आप भेज भी सकते हैं। तो ये रबर का बना हुआ जो है डैम होगा जिसको रबर डैम कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर के समीप फल्गु नदी के किनारे रबर डैम बन रहा है। हाँ तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं खबर यह है कि बिहार के फल्गु नदी के घटते जल स्तर को देखते हुए बिहार सरकार ने एक निश्चय किया कि बिहार सरकार फल्गु नदी के जल स्तर को हमेशा मेंटेन करने के लिए, हमेशा बनाए रखने के लिए फल्गु नदी के ऊपर विष्णुपद मंदिर के करीब में रबर डैम बनाने जा रही है। ये रबर डैम बनने से जो है वो फल्गु नदी का जल स्तर हमेशा ठीक बना रहेगा और यहाँ आने वाले जो पर्यटक होते हैं जो कि अपने प्रियजनों के अंतिम क्रियाकलाप के लिए या उनके श्राद्ध के लिए जो यहाँ पे आते हैं उनको भी यहाँ पे सालों भर पानी मिलने की संभावना होगी जब ये रबर डैम बन जाएगा। तो इस रबर डैम को बनाने का काम हैदराबाद की NCC कंपनी को मिला हुआ है और इसका काम जल्दी शुरू होने वाला है। यह काम शुरू होने के बाद जो है ये बिहार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। इसको लेकर के बिहार के शहर गया में लोग बड़े खुश हैं और बिहार सरकार ने गया वासियों से वादा भी किया था कि सापित फल्गु नदी का वो उद्धार करेगी और यहाँ के गिरते जल स्तर को ठीक करेगी। इसके लिए सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसपे कार्य शुरू भी हो गया है। इसको बनाने का पूरा खर्च जो है 277 करोड़ का है। 277 करोड़ का पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसको कि हम आपको इस पूरे वीडियो के थ्रू बना करके दिखाने लेके जा रहे हैं कि देखने में कैसा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि हम यूं ही ऐसे ही आपको बिहार और पटना से जुड़े खबरों पर वीडियो बना करके आपको दिखाते रहें।